डॉट्स एंड सन्स हैं और ये मेन, आप यहाँ से सीढ़ी, ये बाहर से मेन रोड से आप आएंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से, फिर ये आपको यहाँ पे डॉट्स सन्स हैं, इनके पास माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीज़ें होती हैं, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, ये आज मैं ज़ेनब मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे आशिर भाई की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम आशिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा आशिर भाई के पास हैं। आशिर भाई मुझे बताइए, आपके पास माशाल्लाह मैंने सुना था कि बहुत ही खूबसूरत किस्म के सर्दियों के हवाले से जैकेट्स और बहुत ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो प्लीज़ बताइए आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर मेरे पास डिफरेंट तरह की, यानी कि एनिमल स्किन्स भी हैं मेरे पास सारी। अच्छा, रियल फर कोट जो आप देख रहे हैं सारे। अच्छा ठीक है, ये सब डिफरेंट एनिमल्स के साथ। अच्छा ओरिजिनल होती हैं पास। ठीक है सही, ठीक है। इसके अंदर रैबिट है, फॉक्स है, यानी कि डिफरेंट। पर ये मेरी अपनी मेकिंग है, मतलब मेक टू ऑर्डर भी इसको अपने ऑपरेट कर। मैन्युफैक्चरिंग आपका अपनी है? या मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा इनकी मैन्युफैक्चरिंग आप ही है। मैं आपको देखें दुकान का पूरा शॉप का ओवर व्यू दिखा देता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं आशिर भाई से। ठीक है ये देखिए, इन पर माशाल्लाह वैरायटी बहुत ही खूबसूरत किस्म की है, ये देखिए। तो आशिर भाई से हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है पहले मैं आपको दिखा दूँ सारा ओवरव्यू शॉप का, ये देखिए। फिर इनसे पूछेंगे इनके प्राइस क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है। और ठीक है ये देखिए। अच्छा मुझे सबसे पहले मैं बताइए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं पहले। सर मतलब अगर नॉर्दर्न ट्रिप के हवाले से देखा जाए। अच्छा -2-3 होता है उसके हवाले से मेरे पास ये स्टफ के अंदर है, स्टफ के अंदर फर कहलाता है। अच्छा ठीक है सर। ये फैब्रिक होता है यानी कि। अच्छा ठीक है। जैसे आप कोई एक आर्टिकल ना आपको निकाल के, जैसे ये है एक डिज़ाइन। अच्छा आप नॉर्दर्न साइड पे अगर ट्रिप करते हैं तो उसके लिए सर्दी काफ़ी होती है वहाँ पर। अच्छा इसमें एक इशू ये है कि ये वॉशेबल भी है। अच्छा वॉशेबल, ठीक है देखा जाए। लेकिन अब जब इसको मैं और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये फर स्ट्रिप में इस पर रियल एनिमल ऐड कर देता। ठीक है सही, ठीक है। उसकी वजह से एक तो ब्यूटी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें उसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है कि मतलब आप इसको फिर वॉश नहीं कर सकते। अच्छा। यानी कि जो फर है ख़राब हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं। ओरिजिनल जो भी है, इवन लेदर हो कुछ भी हो, वो रियल वॉश नहीं होता। अब ये रियल लग गया तो या तो आप इसकी प्रोटेक्ट करके इसको वॉश करते हैं, ठीक है। कोट आपका वॉशेबल होता है, ये इनसाइड फर के साथ है। अच्छा अंदर भी है जी, ये फॉर ये तो आर्टिफिशियल है, ये फैब्रिक कहलाता है जी, स्वेट फैब्रिक के नाम से। ठीक है नॉर्दर्न वगैरह के लिए। ठीक है फिर जब आप एक्सट्रीम माइनस की तरफ आते हैं, यानी कि -10 to 15 जैसे 5 क्रॉस करते हुए जो देखा जाए, ठीक है उसके हवाले से फिर ये रियल स्किन्स मेरे पास। अच्छा ठीक ये भी डिस्कस करते हैं। अच्छा इसके अलावा आशिर भाई ये ऊपर भी आप कह रहे थे शॉर्ट में कुछ आपके पास इसी वैरायटी में अंदर है। शॉर्ट है इसके अच्छा अंदर और हिप कवर लेंथ कह लें। अच्छा सही। और बिल्कुल शॉर्ट यानी कि जो बिल्कुल शॉर्ट जैकेट सकती हैं वो भी इसमें अवेलेबल। अच्छा इधर दिखाइए मुझे इसमें, मैं आप बताइए कि मुझे क्या दिखाऊँ इसके अंदर आपको, यानी कि ये रैबिट है। अच्छा नेचुरल दिखाएँ आप मुझे। अच्छा ये खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन है। ठीक है सही, ये रियल रैबिट में, ये हमने इस पर फॉक्स लगाया। अच्छा ये न्यू एडिशन है इसका। अच्छा न्यू एडिशन है जी। अच्छा इसकी प्राइस अंदाजन का कितनी होगी सर? ये वाला जो अभी, अच्छा अभी फिटिंग में है ना जी, ये शेप है, शेप ये है। मतलब मैंने आपको बताया डिस्कस अभी की कि मैं मतलब न्यू पैटर्न्स यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें एडजस्टमेंट है, अंदर से आप इसको एडजस्ट कर सकते। क्या प्राइस है इसके? सर ये वाला आपको पड़ेगा 9000 का। अच्छा ठीक है सर। अच्छा ये देखिए इनके पास इस स्टफ में बहुत ही खूबसूरत है, ये इसमें भी ओरिजिनल ये लगा हुआ है जी, इसमें ये लगा हुआ है ओरिजिनल है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये देखिए, ये लगा हुआ है। अच्छा इसी तरीके से इसमें डिफरेंट देखा जाए, ये प्लेन है जैसे। अच्छा प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्रॉपर वॉशेबल है, इसको प्रॉपर वॉश कर सकते हैं। ठीक है सही सही। रियल जैसे ऐड हो गया इसके हवाले से, जैसे ये मैंने दिखाया तो इसमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन, यानी लिक्विड आइटम से आपने इसको सेव कर, रियल स्किन जो भी है। ठीक है सही। अच्छा मुझे आशिद भाई ये बताइए कि इनके प्राइस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो ये अगर आपसे कोई रابطہ करना चाहे, इसमें ये बेसिकली जो है ना, ये स्टफ़ के अंदर प्राइस रेंज जो है, यानी कि 2500 से लेके 2500 से लेके 7-8000 तक इसके अंदर जाते हैं ये जी। अच्छा जाते हैं। अच्छा मैं आपको ग्रेडिंग्स हैं। अच्छा इसमें ग्रेड है जी। आप प्लीज़ मुझे इनमें से यहाँ से कोई दिखाइए ज़रा मुझे इनमें से। अच्छा ये मेरे पास आ गया रियल स्किन, रियल चीप फर है ये ओरिजिनल। ये मेरे ख्याल में इसके प्राइस बता सकते हैं आप? सर ये वाला अभी जो है ये 6000 रुपीज़, 6000 रुपये का मिलेगा। ठीक है रियल है। अच्छा, इसीलिए अगर आपसे कोई मंगवाना चाहे ऑनलाइन,
शर्ट मंगा सकता है। अच्छा, और डिलीवरी मंगवा सकता है वगैरह में कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन इन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कुछ कंट्रीज में एक तो ड्यूटीज वगैरह अच्छा ज्यादा होती है। अच्छा, मुझे इनमें से एक दो डिजाइन दिखा सकते हैं? ये ओरिजिनल वाले, सबसे पहले मैं आपका ये दिखाऊंगा। ये टोटल ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है टोटल। अच्छा, ये रियल रैबिट फर है। अच्छा, खरगोश की है, रैबिट की खाल में है ये। अच्छा, पूरा ये देखिए, और ये फुल ओवर लेंथ कोट है। अच्छा, इसमें भी यानी कि डिफरेंट लेंथ आती है, यानी कि शॉर्ट, हिप कवर, मिड थाई एंड नी। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ साइज आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदाजन क्या प्राइस होंगे सर? ये वाला जो है ये आपको पड़ेगा 14,000 रुपए। अच्छा, ठीक है, सही। मतलब इससे लोएस्ट ग्रेड की तरफ जाएंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे, इससे और हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो प्राइसेस बढ़ती जाएंगे। अच्छा, हम आपको बता दें कि इसमें सारे जो है ना ओरिजिनल स्किन के अंदर है, ये एनिमल्स की जो है ना सारी ओरिजिनल। आप ये देख रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी? ये रैकून है। अच्छा, ठीक है। अब ये एक एवरेज ग्रेड है। अच्छा, ठीक है। आप इसका जब हाईएस्ट ग्रेड में जाते हैं तो ये इसका हाईएस्ट ग्रेड होता है। अच्छा अच्छा, ये भी ओरिजिनल स्किन है ना? ओरिजिनल है, रकून। अच्छा, है ये भी रकून है, ये भी रकून है। अब शायद आपको शेड शायद डिफरेंट थोड़ा नजर आ रहा है वीडियो के, ये नेचुरल है, नेचुरल है। ठीक है। अब इसमें ब्रीड का भी फर्क होता है और कंट्री जैसे है, बहुत एक्सट्रीम माइनस का अगर एनिमल होगा तो उसके कोटेड में भी डिफरेंस आएगा स्किन के हवाले से, स्किन के हवाले से। हेयर्स भी जैसे आप कम सर्दी का है तो वो सिंगल कोटेड कम होंगे, सही बात है। अब जो ज्यादा सर्दी का है तो उसमें तो ट्रिपल कोटेड जाएगा, जैसे ट्रिपल, ये है, ये भारी है। अब इसको इसके हेयर्स में, इसके हेयर्स में ये देखिए फर्क है, फर्क है। हाँ, लंबे बाल है जी। अब इसके देखेंगे ये कम कम है। ठीक है, सही। ये दोनों सेम एनिमल है लेकिन ब्रीड डिफरेंस होती है, वो सर्दी। ठीक है, सही। अच्छा, ये भी ओरिजिनल के अंदर है ये वाला जो है? ये भी ओरिजिनल है। अच्छा, यानी एक ही स्किन है ये। अच्छा, ये किस कलर यूज किए हैं, किस एनिमल की है? ये मिंक कहलाता है। अच्छा, मिंक है। ठीक है, ये मिंक कहलाता है। अब अच्छा, इसके ये नेचुरल शेड है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। फॉन कलर में भी होता है ये, क्रीम ऑफ वाइट यानी कि। अच्छा, नेचुरल शेड है जी, और बाकी ब्राउन। ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। इसमें भी साइज मिल जाएंगे? साइजेस मेक टू ऑर्डर बना। अच्छा, ठीक है। ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये रशियन टाइम के डिजाइन है। अच्छा, ये वो ज्यादा लाइक करते थे। ठीक है। अब इसके जो आ गए हैं वो डिफरेंट डिजाइन आ गए, शेप आ गया इसके अंदर। अभी जो हमारी मार्केट के अंदर देखा जाए, फर की मार्केट, लेदर, गारमेंट्स, सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके अंदर अब जो साइजेस यूज हो रहे हैं वो चाइनीज साइज, ठीक है, टोटली। तो उसके हिसाब से वो शेप आ गया, मार्केट कैप्चर कर ली मार्केट। और सर फिर पैटर्न इतने अच्छे दिए कि आप उसको एक कोट को आप जब वेयर करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपके प्रॉपर शेप के अंदर बिल्कुल फिटिंग। ठीक है। अब जैसे ये है, ये पर्शियन लैम है। अच्छा, ठीक है, सही। अब इसके देख रहे हैं, इसके शेप में आपको कुछ नजर आ रहा हो कि वो कर्व में बना हुआ है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। इसी तरीके जब इसको वेयर करते हैं तो ये प्रॉपर ऐसा लगता है कि आप ही के लिए बना हुआ है, शेप अच्छी आ जाती है। तो ये पैटर्न्स की वजह से है सब चीजें। अब मेरे टाइम पे जो है लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, आपको मैं दोबारा ओवर भी दिखा देता हूँ। ये सारा स्टफ है मेरे पास। ये भी आशीष भाई ओरिजिनल के अंदर है ना सारा? जी जी सर। अच्छा अच्छा, ये रैबिट वाली दिखाई थी हमने आपको, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसके अलावा और आप मुझे प्लीज़ दिखा सकते हैं? जी सर। अच्छा, ये दिखाइए। अच्छा, ये 6,000 से लेके ये भी किस रेंज तक जाती हैं? सही है, डिपेंड करता है कि आप किस अच्छा रेट के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये देखें ना, ये भी अच्छा, ये देखें ना मोटे स्टफ में, ये देखें, ये भी वो आप जो बता रहे थे कि वो डिपेंड करता है कि वो, ठीक है, सही। अब ये इसका हाईएस्ट ग्रेड है। अच्छा, ठीक है। अब इसका लोएस्ट भी मैं आपको दिखा दूँ कि लोएस्ट किस तरह से लोएस्ट वो उस एरिया के हिसाब से होता है और फिर जानवर के हिसाब से होता है। एक तो हमारे पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में नहीं होता, ठीक है, ठीक है, यूज नहीं होता, यूज नहीं माइनस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, माइनस। तो हमें इसकी नॉलेज नहीं है उस हवाले से, ठीक है। तो जब देखते हैं अब यहाँ कस्टमर मतलब जब आता है वो कहता है कि हमें 5-6 हज़ार में फर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसकी फर की हकीकत नहीं है, ये आपको तब पता चलता है जब किसी आप इंटरनेशनल प्लेस पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको जब डॉलर में $500 मिनिमम यानी कि लोएस्ट से लोएस्ट कहा जाए, ठीक है, लेदर जैकेट $500,000, तो फिर इस तरीके से ये पीक पे आना शुरू होता है, ठीक है, समझ। इसकी प्राइसेस अब ये आपको डिफरेंस खुद ही यहीं पे नजर आ रहा है। हाँ, उसका स्टफ थोड़ा सा मोटा है, उसके हेयर्स में, इसके हेयर में फिर फर्क है, लेदर ज्यादा यूज हुआ है, इसमें कम यूज हुआ है, ठीक है सर। हेयर्स की क्वालिटी, सब चीजें अलग है, उसमें पता चलेगी, पता चल जाती है। तो ये ग्रेड्स की वजह से, ग्रेड की वजह से कस्टमर जो उसका माइंड चेंज होता है कि मतलब मैं एक शॉप पे खड़ा हूँ कि उसको मिल रहा है ये 5,000 रुपए का, ठीक है, वो दूसरी शॉप पे जाता है वो देखता है 10,000 रुपए, ठीक है, सही। तो उसको ये जजमेंट नहीं हो रही होती कि मतलब क्वालिटी, ये चीजें डिफाइन करना पड़ती है ना, उसको उस तरीके से गाइडलाइन मिलती है कि मतलब उसको बताया जाए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक, तो वो उसको गाइड नहीं करता। अच्छा, आपके कह रहे थे आपके पास ये भी कुछ स्टफ है आपके पास नीचे? ये स्ट्रिप है। अच्छा, स्ट्रिप है ये मेरे पास, स्ट्रिप है ये, अच्छा, ये वुल्फ है,
ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये बेसिकली मैं इसके अंदर, ये मैंने आपको बताया था कि हुड्स के बॉर्डर्स पे लगा रहा हूँ। अच्छा, जैसे ये इसमें लगा हुआ है। अच्छा, इस तरह लगा सकते हैं आप? जी, इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, सही। शॉल में यूज कर सकते हैं, शॉल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्कार्फ में यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी डिजाइन आपके पास है? कलर इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। ये दिखा दें यहाँ से हम लोग इनको। अच्छा, ये सारे कलर, ये कलर, ये ब्राउन टाइप का है, ठीक है, सही। ये सब स्ट्रिप, मतलब इसमें मेरे पास आपको मिलता है, यानी कि ब्लैक कलर क्वांटिटी में, ब्राउन कलर क्वांटिटी में। ये भी ओरिजिनल है ना? ये सब ओरिजिनल है। अच्छा, ये वैसे किस जानवर की है? ये वुल्फ है। वुल्फ है, यानी कि नेचुरल कलर देखिए। अच्छा, ये ओरिजिनल वुल्फ की? ये कलर है। अच्छा, ये कलर वो डाई किया हुआ है मेरे ख्याल में? वो डाई हुआ है। अच्छा, ये देखें, ओरिजिनल है ना? ये ओरिजिनल शेड है इसका। अच्छा, क्या प्राइस होती है? ये कॉलर बना हुआ है अभी 3000 का। अच्छा, इसमें लोअर जाएंगे 2000 आएगा, सारे जाएंगे तो फिर बढ़ता जाएगा। ये देखें, कलर आपको दिखा दें, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल बाल हैं वॉल्फ के, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास? सर, उसके अलावा मेरे पास इन भी, आप मुझे थोड़ी वैरायटी दिखा सकते हैं कुछ डिज़ाइन वगैरह? ये सामने जो पड़े हैं, ये इसके अंदर ये कोट के क्या प्राइस आते हैं? किस किस तरह प्लेन है? अच्छा, ये लॉन्ग है, नी लेंथ कोट। अच्छा, ठीक है, सही। लाइट स्टफ है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं कि मतलब शोल्डर इशू और ये सब चीज़ है, ठीक है, कि मतलब वेट नहीं कैरी कर सकते बोट का। अब जाहिर सी बात है, हम माइनस में जा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट होगा, रियल स्किन वेट होता है। नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो उनके लिए ये सब चीज़ है। ये न्यू एडिशन है, इसमें भी ये एम्ब्रॉयडर्ड इसके ऊपर हुई। इसमें और, अच्छा ठीक है, इसमें और डिज़ाइन, एक ये कलर, ये डिफरेंट डिज़ाइन है। अच्छा, सही। फिर इसी तरीके से आप प्लेन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैंने आपको रियल तो दिखा दिया, अब ये इसमें यूज़ हुआ है सिंथेटिक फर। अच्छा, अब इसका फील आपको बताएगा, अब उसकी फिनिश में और इसकी फिनिशिंग में फर्क है इसमें, जैसे ये आपको दिखाया, ठीक है, सही। अब जब आप रियल वाला रियल में देखें ना, फर्क ये डिफरेंस आपको पता चलेगा इसके अंदर। वो कुदरती नेचुरल है, ये जो मतलब ऊपर वाले की बनाई हुई चीज है उसकी तो फिर बात ही है, ये फिर प्लास्टिक कह लें, प्लास्टिक आर्टिफिशियल, जी आर्टिफिशियल फर है, ठीक है, सही। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हैं, ठीक है, मतलब कस्टमर को नॉलेज नहीं है कि रियल क्या और सिंथेटिक क्या। अच्छा, इसमें आशीष भाई और भी डिज़ाइन और कलर दिखाई ना इसमें, जो थोड़े से और कम सर्दी में पहनने वाले हों? सर, इसमें मेरे पास यानी कि बेसिकली ये स्टफ जो, ये तो अब फैब्रिक कह लें, पहनने वाले इसको कराची में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, कराची में भी थोड़ी सर्दी पड़ना शुरू होगी अभी, पिछले साल भी। अगर देखा, लेदर बेसिकली एज अ फैशन यूज होता है। हाँ, फैशन यूज, ठीक है, ठीक है। और ये स्टफ जो है, मतलब प्रोटेक्शन भी है, थोड़ा सा फैशन भी। अब हमारे यहाँ कराची में ट्रेंडिंग नहीं है कि लॉन्ग कोट्स पहनना और ये सब चीजें। हाँ, गर्मी पड़ती थी, अभी थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा, मतलब कोयटा की अभी चल गई एक महीना डेढ़ महीना। देख रहे हैं ये ऑल लाइटेस्ट है, ठीक है, यानी कि एक वो ग्रेड दिखाया, एक ये ग्रेड दिखाया, ये बिल्कुल लाइट है, लाइट है, यानी कि फैब्रिक कम यूज कम है, कम है, ठीक है। जैसे यहाँ कराची की सर्दी जो कह लें, कराची में भी खैर आप पिछले 2-3 सालों से थोड़ी। अच्छा, इसके क्या प्राइस है? सही, ये वाला 3500। अच्छा अच्छा, मुझे आशीष भाई ये पीस दिखाइए इनमें से, ये छोटी लेंथ के अंदर, ये शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट लेंथ में, शॉर्ट लेंथ में। कराची में लोग इतने लॉन्ग नहीं पहनते, शॉर्ट लेंथ के भी आपको सर दिखाते हैं। शॉर्ट लेंथ में मैं आपको ये हुडीज में दिखाता हूँ। हाँ, हुडीज में दिखा दी, ये देखिए, क्योंकि रांची में इतना ज्यादा लोग पहनते नहीं लेंथ, ज्यादातर आपको मेरी शॉप में हुड में फर ही अच्छा, लगा हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आजकल। ये कितने का पीस है? ये है, अल्लाह भला करे आपको मिलता है ये 3000 रुपीज़, 3000 का मिलेगा। हाँ, इसमें अगर वुल्फ लगा होगा, जैसे वो वुल्फ में, वो अलग से एडिशनल जो आप लगाने जी, ये अभी इसमें फॉक्स लगा हुआ है, ब्लू फॉक्स। अच्छा, ठीक है, इसमें भी 2-3 तरह के। अच्छा, इसमें भी और से भी डिजाइन है, कलर है, ठीक कलर है इसमें, ठीक है। अच्छा, वो 5000 से 3000 से, सॉरी, फिर 5-6000 तक जी, मतलब 3000 से 5-6000 रुपए तक आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आशीष भाई मुझे यहाँ से दिखाने दिए, ये देखें, इसमें और भी कलर आपको मिल जाएंगे ये सारे इसी तरह के। अच्छा, फिर ये भी है आपके पास? अब ये देखिए, इसमें ये वुल्फ में, अच्छा, वुल्फ ओरिजिनल है जी, डाई किया हुआ है, डाई हुआ, डाई भी, ठीक है, डाई तो ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि नेचुरल शेड मैंने आपको दिखा दिया, तो अगर कलर से मैच करना, ठीक है, तो उस हिसाब से। अच्छा, ये इसमें बड़े वाले हैं, ये इसके अंदर थोड़ा सा नी लेंथ लगा हुआ है। अच्छा, ये चीज लगी है, ये कफ कॉलर में लगा हुआ है। ये भी आपके पास था? अच्छा, ये मैंने आपको इसका प्लेन भी दिखाता हूँ, फर और विदाउट फर इसमें क्या डिफरेंस है। सही। अब ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये ब्यूटी के लिए इसके अंदर ये फॉक्स मैंने एडिशन किया है, ये बाजू के ऊपर स्लीव्स में भी लगा दिए जी, ठीक है, जो सिंपल और थोड़ा सा स्टाइलिश पहनना चाहते हैं उनके लिए। सही। अच्छा, ये ऊपर इसमें सारे कलर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स,
अच्छा ये, हाँ ये वाला दिखा दीजिए, ये ब्लैक ब्राउन दिखाऊंगा। हाँ तो थोड़ा सा कलर में भी नजर आना चाहिए, ये देखिए। हाँ ये कलर के इसके अंदर ब्यूटी भी बढ़ेगी और क्योंकि उसकी मैचिंग के हवाले से क्लोजअप करके दिखा जी। अच्छा ये भी पीस वही 6,000 से लेके फिर आगे ऐसे ही इसकी प्राइस रेंज, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर के, मतलब आप लोएस्ट बोलेंगे तो मैं तो पहली बात है मना करूंगा कि लोएस्ट पर ना लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। ठीक है सर। और नीचे भी ये दिखाइए वो अलग पीस है, ये नीचे आपके पास सी ए शॉर्ट जैकेट्स हैं। हाँ ये दिखाइए, ये किस रेंज में आती हैं ये? 2500 से एक पीस दिखाइए प्लीज। अच्छा ये 3,000 से लेके जी, ये बाइकर्स हैं। अच्छा बाइक लेडीज बाइक डिजाइंस, मतलब ये जैकेट जो है ये बाइकर्स कहलाती हैं। अच्छा ठीक है, बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप, ठीक है सही, बाइक पे कह लें एज अ फैशन यूज कर, फैशन यूज कर वाले से, मतलब ये सीरीज जो है ना सारी ये बाइकर के अंदर काउंट होती है ये डिजाइन सारे। अच्छा ये पहनती है लड़कियां कराची में भी पहनती हैं ये देखिए, जैसे ये मैंने इस पे ग्लास लगाया हुआ है आपने, ये देखिए ग्लास पे भी इन्होंने लगाए हैं ये देखिए। अच्छा आशिर भाई इनके प्राइस क्या होती है वैसे? सही है, इसके अंदर रियल और सिंथेटिक पे डिफरेंट है जी। सामने ग्रे जो आपको नजर आ रहे हैं 2500 का भी है, इसमें 2000 से लेके फिर 3,500-4,000 रुपए तक इस तरह की रेंज में जाते हैं। अच्छा फिर ये वाले आपके पास, ये वाले ये लॉन्ग कोट से। अच्छा लॉन्ग कोट जी, इसमें से एक दो दिखाइए ये देखिए जी, माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है। ठीक है सर, इनके क्या प्राइस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये भी तकरीबन 3500-4,000 से, पर ये जितना ओवर लेंथ जाता रहेगा। अच्छा, भी ये देखिए डिजाइन है, कलर और इसमें स्टफ भी डिफरेंस है मेरे पास, 2-3 तरह का स्टफ है, लाइट हैवी और है। सब चीजें इसके अंदर है। कलर मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा इस बेसिकली यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कलर ब्लैक ब्राउन एंड फॉन कलर ये तीन ज्यादा फेमस हैं, तो इसी हवाले से ये यूज भी वैसे ही होता है। अच्छा, तो उनके हवाले से जब देखा जाए तो ये ही ज्यादा कलर रेंज होती है, तो सीजन वाइज कोई एक कलर जो है बहुत ज्यादा इसमें चल रहा होता है। जैसे अब लास्ट ईयर जो था वो फॉन कलर, क्रीम कलर इस तरह के चल रहे थे, इस ईयर ग्रीन और डिफरेंट कलर चल रहे हैं। अच्छा इनमें आशिर भी कुछ रह गए थे कलर हमारे पास, ये सामने इनमें से ये जरा दिखाइएगा, ये ग्रीन टाइप का जो है ये वाला सर? नहीं ये वाला, ये देखिए अब ये अच्छा कलर ये है। उसी के अंदर ये ऑलिव ग्रीन कलर है, बहुत खूबसूरत है ना ये जी। अब ये पिछले 2 ईयर्स का मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है ऑलिव ग्रीन। अच्छा। कलर ग्रीन कस्टमर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि मतलब आप ग्रीन दिखाएं, तो वो मार्केट देखते हुए ये वाला 2500। अच्छा ठीक है, इसमें एक डिज़ाइन आपको ये जिपर मिलता है, एक विद बटन मिलता है, बटन भी दिखा वाला दिखा दिया। अब बटन मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग वाला दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखा नहीं कलर का आगे पीछे मैंने डिस्प्ले किया हुआ ये बटन से। ये हैवी लाइट है, आप कराची में भी पहन सकते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में भी। और फिर बेनिफिट सबसे अच्छा है इसका ये कि आप खुद वॉश करें और यूज करें। ठीक है सही, सिंपली हैंड वॉश, वही आपने ये बताया था पैसे आपके जी। प्राइस रेंज इसी यानी कि इसी रेंज के अंदर है से लेके फिर 7,000 तक। और अच्छा अपनी तरफ से ये रहती है कि मेरा कस्टमर एक नाराज ना हो। ठीक है ठीक है, आशा भाई इसमें दिखा सकते हैं ये वाले जो कोट हैं, इसमें मैंने अभी आपको इसका ब्राउन दिखाया था विद फर के साथ। अच्छा। अब ये विदाउट फर है, विदाउट फर इसके अंदर सिंथेटिक की जो इनसाइड इसमें फर, ये वॉश हो सकता है, ये प्रॉपर वॉशेबल है, प्रॉपर वॉश हो सकता है, ये प्रॉपर वॉशेबल है, जो मतलब इनसाइड यूज हो रहा है इसके अंदर सही, वही इसके कफ कॉलर के अंदर है। ठीक है सही, मतलब ये सब चीजें मैं इसके ऊपर अलग से एडिशन करता हूँ। ठीक है सही ठीक। अच्छा इसमें मुझे ये वाला जरा दिखाइए, ये लगा हुआ था मेरे खाने बाहर में। अच्छा ये विदाउट कॉलर है। अच्छा ये खूबसूरत चीज है आशिर भाई, क्रॉस जेब। अच्छा ये देखिए ये जरा स्टाइलिश है। अच्छा अच्छा ये जबरदस्त है, इसकी लेंथ में आपको दिखा देता हूँ, ये भी न्यू डिजाइन है। हाँ अच्छा ये बेहतरीन है, ये फिटिंग के अंदर इसमें अच्छा शेप के अंदर है कि मतलब अब जैसे हमारे यहाँ की 10-12 साल की जो बच्चियाँ वगैरह हैं उनके हवाले से अब ये साइज उनको भी आ जाता है, ये इस तरह शेप है, शेप में है। क्योंकि बाहर कंट्रीज ऐसी है ना कि वहाँ हाइट शॉर्ट हाइट भी बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, तो उसको देखते हुए ये हमारे यहाँ की अब एक 10 साल की बच्ची आप देखेंगे वो स्लिम है, एक थोड़ी सी हेल्दी है, तो उनके लिए भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं साइज। ठीक है, अच्छा इसके प्राइस क्या और कलर इसमें मिल जाएंगे? ये वाला जी 2500, 2500 में मुनासिब है, कोई ज्यादा नहीं है ये। अच्छा इसमें कलर और मिल सकते हैं सर? कलर इसमें फिर डिफरेंट डिजाइन। अच्छा डिजाइन अलग हो जाए, डिजाइन जैसे ये दिखाया। अच्छा ये भी इसी के अंदर सब पाउडर, ये टर्किश स्टाइल कलर। अच्छा ये वाला ठीक है सही जी।
इसके भी प्राइस वही होंगे ऑलमोस्ट ऐसे ही चल। अच्छा 2500 में अच्छी चीज़ है ये, बेहतरीन है सही। अच्छा मुझे ये बताइए ये भी क्या थे वही जो मुझे आपने कॉलर चाहिए, अच्छा कॉलर सिंपल कॉलर जो आपने मुझे जो आप मतलब किसी भी कोट या जैकेट आप लेते हैं आप उसको उस पर पहन सकते कराना चाहते तो इसको आप सिंपली इस तरीके से अच्छा रख सकते हैं जी किसी भी जैकेट। अच्छा इसमें यूज़ कर सकते ठीक है ठीक है ठीक सही। अच्छा ये ओरिजिनल फेस है ये ज़रा मुझे दिखाइए ये इसका जो सामने इस पर मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। नहीं नहीं आशीष भाई ये ओरिजिनल फेस है ये आर्टिफिशियल है ये ओरिजिनल स्किन है। अच्छा स्किन में प्रॉपर जो यूज़ वाला वो है आपको वो दिखाता ठीक है इसमें कि क्या मतलब प्रॉपर यूज़ होती है जो मतलब फर में हॉट ये हॉट आइटम है इसका ये माफ। अच्छा ये फेस भी ओरिजिनल है फेस इसका ओरिजिनल नहीं होता। अच्छा मतलब ये आइज रियल नहीं है बाकी इवन आइज तो नहीं रह सकती लेकिन ऑलमोस्ट उसको ओरिजिनल है पैकिंग करके सब चीजें करके ही रेडी किया हुआ ये मफलर है इसका मफलर है यानी कि ये रख के जरा दिखाइएगा। अच्छा ये इस तरह दिखा सकते हैं ये आप इसको क्लिप दिया हुआ है इसको होल्ड करके फॉर में सबसे हॉटेस्ट आइटम है। अच्छा ठीक है ये जरा मैं आपको दिखा दूं ये देखिए सही इस तरह आप इसको ले सकते हैं ठीक है सही इसमें भी सारे डिजाइन और कलर मिल जाएंगे आपको ये जी सही है। अच्छा ये भी इनमें से एक पीस दिखा सकते हैं आज भी सर इसमें हाँ सर ये भी हैवी है ना जी ये हैवी फॉर है जो बीवर कहलाता है इस पर प्रिंटिंग हुई है सही ये ओरिजिनल इसके अंदर है जी स्किन ओरिजिनल है लेकिन प्रिंटिंग जो है इसके ऊपर ये प्रिंटिंग हुई थी प्रिंटिंग ये हो गया यहाँ से ये आपको मैंने शायद नहीं दिखाया अच्छा ये भी है इसमें भी प्रिंटिंग हुई है इस पर भी प्रिंटिंग हुई है ये वो जो टाइगर प्रिंट। अच्छा इनके क्या प्राइस होते हैं ये वाला अगर जैसे प्लेन होगा तो 10-15,000 में रहेगा। अच्छा। अब इसमें फॉक्स ऐड हो गया यानी कि 3,000-5,000 इस तरह इसमें ऐड कर रहे हैं ये कॉलर ऐड कर सही ठीक है सही डिपेंड करता है कि जब मेक टू ऑर्डर आते हैं तो फिर आपके हिसाब से कोट बनता है जिस तरह आप उसमें चेंजिंग चाहते हैं वो सब चीज। अच्छा साइज के हिसाब से बना देते हैं जी मेक टू ऑर्डर है। अच्छा ठीक है साइज बोलेंगे मैं उस पर रेडी उस पर रेडी भी कर सकते हैं ठीक है जी। अच्छा मुझे आशीष भाई ये दोनों बता दी ये वाले कोट लॉन्ग कोट है सही है लॉन्ग कोट वही लेंथ आपको दिखाता हुआ आ रहा है सारी ये विद हुडी के साथ विद हुडी के साथ है ठीक है ये भी वही रेंज 9,000 से लेके हाँ वही तकरीबन 6-7,000 रुपए तक के अंदर ये सब चीजें आ सब मिल जाती हैं ये हुडी है ये बिग साइज है सारे यानी कि ट्रिपल एक्सएल 4XL 5XL तक। अच्छा बच्चों में आपके पास है बच्चों में सर अभी नहीं आ रहा है इंशाल्लाह फिलअप हो जाएगा लेकिन ये अच्छा बच्चों में थोड़ी बहुत वैरायटी है इनके पास फिलहाल अभी जो लगा हुआ है मेरे पास ये ठीक है सही इनके वैसे नॉर्मल प्राइस ठीक ये सही ठीक है चलें ठीक है आशा ठीक है सर बहुत थैंक यू।